गुड मॉर्निंग ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव। करते हैं नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत एक बड़ी सी स्माइल के साथ। तो मैं रात मौसी जी की तरफ आ गया था, क्योंकि मौसी जी यहाँ पे नहीं है, एक फंक्शन में गई हुई है, शादी में गई हुई है, तो यहाँ पे किसी को रुकना था तो मैं रुक गया था, क्योंकि प्राची को भी कॉलेज जाना था। मम्मी आज हरिद्वार गई हैं, मतलब दवाई वगैरह लेने के लिए, और पापा अपना ऑफिस, तो मैं उधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, तो दोनों तरफ एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी तो मैं लड्डू गोपाल जी को उठाऊँगा, पूजा करूँगा यहाँ पर, फिर कुछ खाने के लिए देखता हूँ, खाने के लिए जाऊँगा, कुछ खा के आऊँगा थोड़ा बहुत, क्योंकि भूख भी लग रही है मुझे, रात से कुछ खाया नहीं है। उठ जाइए लड्डू गोपाल जी हमारे, आज मैंने आपको उठाया भी नहीं है, उठ जाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो हम ये काम भी कर लेते हैं, देखना कितने क्यूट से लग रहे हैं दोनों, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं क्यूटनेस के मामले में, प्यार के मामले में, तो मैंने तो इन्हीं से सीखा है। आज भैया की टी शर्ट डाल ली है, भैया गाली ज़रूर बकेंगे मुझे कि क्या कराए, बट भैया सॉरी, क्या करता, कपड़े लेके नहीं आया था, गांव से आया था, गांव से सीधा यहाँ आ गया मैं, मुझे भेज दिया गया, तो क्या करते, आप ही के कपड़े पहनने थे, वैसे भी आप कहाँ मना करते हो कुछ करने के लिए। तो बस पूजा शुरू कर दूँ मैं भी, पहले लड्डू गोपाल जी को नहलाना है दोनों को, फिर कपड़े वपड़े पहना के पूजा वूजा करके मैं फ्री हो जाऊँगा, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है मुझे, क्योंकि अभी बहुत बड़ा दिन है और मैं अभी सो के उठा था थोड़ी देर पहले, आंटी से काम वगैरह ख़त्म करवाया है यहाँ पे जो मौसी जी की तरफ आती है, और मैं फिर नहाया हूँ उसके बाद, बस यही है, चाय भी नहीं मिली आज। अब सर में दर्द होएगा आज पक्का, क्योंकि मुझे चाय तो चाहिए ही चाहिए। चलो ये लाइट बंद कर देते हैं, अपना करता हूँ मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा और इन्हें नहला लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। पूजा कर दी अपने, लड्डू गोपाल जी ने ला दिए, उनका भोग लगा दिया, पूजा कर दी है, दीपक जल रहा है, लड्डू गोपाल जी दोनों खुश हैं हमारे, भोग भी लगा दिया है मैंने, तो मेरा यहाँ का काम ख़त्म हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लॉक लगा के थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे वापस यहीं पे आना पड़ेगा, तो कुछ खा पी के आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं है, घर पर भी कोई नहीं है, तो मुझे बाहर ही कुछ खाना पड़ेगा आज। और मम्मी पैसे दे के गए थे, क्योंकि मैं बेरोज़गार हूँ ना, तो इसलिए, तो देखता हूँ क्या करना है मुझे अब, क्योंकि मुझे लग रही है अभी फ़िलहाल तो भयंकर भूख, और चाय भी चाहिए, चाय मैंने खुद बनाई नहीं है, पता नहीं क्या आलस सा होता जा रहा है मुझे, पहले मैं खुद बना लेता था चाय, अब चाय भी नहीं बनाता, तो बाहर ही देखता हूँ कुछ खाने के लिए, चाय तो बाहर मिलेगी नहीं, मिलेगी तो वही चाय सुट्टे की दुकान पर, वहाँ जाऊँगा नहीं, क्योंकि वहाँ सुट्टा पीते हैं तो वहाँ धुआँ निकलेगा, और वो मुझे दिक्कत है धुएँ से, तो वहाँ चाय पी भी नहीं सकते जाके, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ वैसे ही करना पड़ेगा, कहीं आसपास मिल जाए कोई दुकान, वैसे है नहीं यहाँ पे आसपास कोई दुकान, बट मैंने यहाँ का काम ख़त्म कर दिया, बढ़िया सा लग रहा है, पहले बोझ सा लगता रहता वरना कि ये करना वो करना, अब तो यहाँ से निकलता हूँ और देखता हूँ अपनी तरफ जाके क्या सीन चल। खाना खा के एक काम याद आया, अब मैं सोच रहा हूँ करूँ या ना करूँ, मुझे गाड़ी के जो व्हील कैप हैं ब्रीज़ा के, वो ब्लैक करने थे, उसका थोड़ा थोड़ा पेंट छूट गया है, अब मेरे पास पेंट भी है, गाड़ी भी खड़ी हुई है अभी, मैं सोच रहा हूँ कर ही लेता हूँ कुछ ना, से अच्छा कुछ तो कर लूँ, क्योंकि बोर हो रहा हूँ। तो ये कंडीशन हो रही है टायर की, मैं ये वाला स्प्रे लेके आया था, कैप्टन ऑटो स्प्रे पेंट 39 ब्लैक, मैंने बुलेट पे किया था, बुलेट पे कराया था मैंने, इससे जो बुलेट के कुछ पार्ट ख़राब हो रहे थे उन पे किया था मैंने, अब देखता हूँ इस पर सही चलेगा या नहीं चलेगा ये, इससे ट्राई करके। फ़ोन के ऊपर ही आ रहा है क्या? तो अभी तो ये ऐसा हुआ है, मतलब चेंज तो हुआ है, थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है, बट ट्राई करके देखते हैं कैसा चलता है इस पर, उसके बाद दिखाता हूँ पूरा करने के बाद कैसा चेंज आया। तो टायर तो कुछ ऐसा चमक गया अब साफ होने, मतलब पेंट होने के बाद, पेंट तो मैंने बढ़िया कर ही दिया है, अब मैंने चारों टायरों पर ही कर दिया, ये वाला सबसे ज़्यादा चमक रहा है अब, दिस लुक मच बेटर नाउ, ये देखो कितने सही लग रहे हैं अब, लुक अब आई है टायर की, मतलब पहले कराया हुआ था, पहले मैंने ओरिजिनल पेंट किया था जो गाड़ियों पे होता है, बट जहाँ जहाँ से हट गया उस पर मैंने स्प्रे पेंट मार दिया है, और कल मैं गांव से आ रहा था तो मेरी गाड़ी ये बलिनो, ये वाली गाड़ी कल बस वाले ने मार दी साले ने, स्कूल बस थी इसलिए कुछ बोला नहीं ज़्यादा, क्योंकि बच्चे वगैरह बैठे हुए थे उसमें, तो इसलिए बोलना ज़्यादा बनता भी नहीं था, ये देखो यहाँ से मार दी पूरी गाड़ी, ये स्कूल बस येलो जो रहती हैं वो स्कूल वाली,
अब कुछ बोलता तो लड़ाई होती, ज़्यादा कुछ फालतू में पंगे होते, सारी मारती यहाँ से। बट ठीक है, तो गाड़ी घोड़े हैं, ठीक हो जाएंगे, लगते रहते हैं इतने, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है कि किसी को चोट नहीं लगी, बच्चों को कुछ नहीं हुआ, गलती तो खैर उसकी बस ड्राइवर की थी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, पर वो ये लड़ाई वगैरह छेड़ने से जितनी लड़ाई छेड़ोगे उतनी लड़ाई बढ़ेगी, उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब दोनों मोरनी एकदम सज धज के खड़ी हैं, इसमें कुछ है नहीं, ऐसा बस वही है, वो अब चमक के खड़ी है अपनी पूरी। इसमें जैसे टाइम मिलेगा बीच में, इसकी कबार दोनों गाड़ियों की रबिंग करानी है मुझे, जो हल्की सी स्क्रैचेस वगैरह और शाइनिंग कम हो गया ना वो ठीक हो जाएगी इससे, तो वो भी कराऊंगा जैसे टाइम मिल जाएगा। बट वो बोल रहे थे कि जो रबिंग जो हमारी करता है गाड़ियों की रबिंग वगैरह पेंट वगैरह, वो बोल रहे थे कि थोड़ा मौसम ठीक हो जाए ना धूप वाला तो करेंगे वो। ये ज़्यादा बाहर आ गया ये चीज़, फेंडर ये वाला फ्रंट फेंडर बोनेट के नीचे, कोई नहीं करा लेंगे इसको, ऊपर जाता हूँ वापस, अब गाड़ी का पेंट हो गया है। वापस से मौसी की तरफ आ गया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काम था और घर खाली नहीं छोड़ना था, मौसी ने बोला था, और फिर यहाँ पे आके पूजा करिए दोबारा, शाम के बज रहे हैं करेक्ट 6, क्या बात है, करेक्ट ही 6 बज रहे हैं सही में। तो यहाँ पूजा भी करनी थी, भगवान जी का भोग लगाना था, पूजा मैंने कर दी है बस। मौसी से भी बात हुई थी मेरी फ़ोन पे 15-20 मिनट पहले, तो वो बोल रहे थे 7, 7:30, 7:15 बजे तक आ जाएंगे, फिर तो आराम से चले जाना कहीं भी जहाँ तेरे को जाना हो। तो बस अभी हाँ इंस्टाग्राम ही चला रहा था, यहाँ पे बैठा हुआ बोर हो रहा था, तो मोए मोए चल रहा है इंस्टाग्राम पे भी, और हमारी भी ज़िंदगी में थोड़ा सा मोए मोए ही हो रहा है। तो मौसी जी आ गई, मैं भी घर के लिए निकल रहा हूँ अब यार। मुझे ये चीज़ ये पेड़ इसलिए बहुत बुरा लगता है, देखना गाड़ी के ऊपर सारी पे ऊपर तक है, और इसकी स्मेल इतनी ख़तरनाक करती है, मतलब थोड़ी देर एक बार को जब पहली बार सूंघेंगे ना तो बड़ी अच्छी सी लगेगी, और उसके बाद जो ये सांस को रोकती है भयंकर तरीके से, मुझे तो सांस ही नहीं आती इसमें जब ये सांस रुक जाता है इसमें, मतलब इसकी उससे खुशबू या स्मेल जो भी बोलो इसको, तो बिल्कुल ही रोक देती है, बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। तो मैं निकल रहा हूँ मौसी जी की तरफ, और मौसी की तरफ खाऊँ घर जा रहा हूँ मौसी की तरफ से, खाना खाऊँगा, भूख लग रही है भयंकर वाली, क्योंकि आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, कल का भी ऐसे ही था मेरे लिए, तो गांव से आया था तो मौसी की तरफ आ गया था, अब जा रहा हूँ वापस घर, आज अपना बेड मिलेगा सोने के लिए, आज पसर के सोऊंगा एकदम, बहुत दिन हो गए, 3 दिन गाँव में रह के आया और 24 घंटे मौसी की तरफ हो गया, तो आज मस्त फैल के सोऊंगा। रात हो गई पूरी, ये देखो भयंकर रात, आज मेरे दोस्त एक ऐसे बात हो रही थी बहुत दिन बाद, बड़ा मन सा कर रहा था बात बात करने का, मन तो मिलने का यार, बट उसकी भी थोड़ा ऑफिस वगैरह रहता है, मिल ही नहीं पाता, अब देखते हैं वीकेंड का देखूंगा, प्लान बनाऊंगा मिलने मिलने के लिए, वही तो एक जिगरी है यार, गाज़ियाबाद में तो वही है गाँव में, फिर ग्रेटर नोएडा में तो है ही, बट गाज़ियाबाद में उससे ऊपर कौन ही है, बाकी सब बस ठीक है। देखो जलना मत यार, देखो दूसरे बाकी के तुम सबको पता ही है, मेरा और एक का सीन भाई, हम भाईचारा कुछ ज़्यादा ही अच्छे वाला है, प्यार तो सभी से है, जान तो सभी के लिए हाजिर है, बस इसके लिए थोड़ी ज़्यादा। तो अभी घर जा रहा हूँ, खाऊंगा पीऊँगा यूट्यूब देखूँगा गेम, मैं मतलब मेरा अगर मेरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना अभी घर में, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और मेरे पास फ़ोन और मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बस यूट्यूब खोलूँगा और एक ही चीज़ सर्च करता हूँ, गेमिंग स्ट्रीम्स, SATVL के सारे जितने भी क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, बाकी और कुछ नहीं, बाकी इंस्टाग्राम पर रील्स थोड़ी देर देख लूँगा, वरना अपना यूट्यूब पर गेमिंग वीडियोज़ ही देखता हूँ, क्योंकि आई लव गेमिंग। अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं कर रहा होता ना, जैसे व्लॉगिंग कर रहा हूँ या अपना जो भी मैं अपना बिजनेस का सोच रहा हूँ करने का वो कर रहा हूँ, अगर ये सब ना कर रहा होता ना तो अपना मैं करियर इसमें भी ट्राई करता फिर गेमिंग में, क्या करूँगा मैं, क्या चाह रहे हो भगवान जी आप मुझसे, अब तो मैं भी कन्फ्यूज हो गया हूँ। वापस घर आ गया हूँ मौसी जी के से, अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ, अब पापा जी मिल गए हमें बैठे हुए एकदम, मम्मी का फोन आ रहा है, पहले मम्मी से बात कर लूँ। खाना पीना हो गया अपना, और दाल खाई है आज, रोटी खाई है मैंने भर के बहुत सारी, और अब दीदी जी से वो करवा रहे हैं गरम रसगुल्ले, क्या ये क्या कर रही है तू, पेन अंदर रखा है जादू टोने, क्या है पेन
अंदर रखा है। अरे तो कर क्या रही है? दूध खा, दूध का हिसाब। मुझे लगा पता ना क्या चल रहा हमारे घर में, ऐसा भी कुछ हो गया। तो लिख भी दे इसमें कितने किलो आया। क्या कितने गरम कर रही है मेरे? हमारे अरे रसगुल्ले गरम है। रसगुल्ले ठंड लग रही है? ठंड होना रही है भाई। स्कूल गई यार? कॉलेज गई यार। गई थी, गई थी, गई थी। क्या कितने गरम कर रही है? दो बहुत अपने गंदे बाकी कर घर नहीं तो मैं तो दो ही खाऊँ। आज कल लोग में हमारे में ज़्यादा कुछ सूट हुआ नहीं है, वैसे इधर उधर का ही हुआ बस। कब इधर गए हूँ, कभी दूसरे वाले घर मौसी की तरफ गए हूँ, फिर इधर आ गए हूँ। पापा ना खा रहे ये सो गए? फ़ोन चला रहे हैं। अरे पापा भी फ़ोन पे लग जाए के क्राइम पेट्रोल देखते रहे या क्या क्या देखते रहे पता नहीं। ओहो, ये एक्टिंग कर रही हो कि पीछे है ना? हाँ पता मुझे तेरी कर रही ना। हाँ वो तो मैं देख लूंगा, मैं लोग एडिट करूंगा जो। हाँ कल देखा था ना? हाँ कल देखा था। ड्रामेबाज कहीं की अपने आपको पता नहीं। भैया इसकी हालत देखिए, ये तो फट गए होंगे, ज्यादा गर्म कर दिए होंगे ना। देख क्या उबल रहे हैं। वाह ये ज्यादा गर्म कर दिए तूने। अब खाने जाऊं? खाए जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा ना नॉर्मल होने में। बेचारों की फाड़ दी, रसगुल्लों की फाड़ दी। क्या तू ना करा वो शर्म ना ही बेचारे इनकी गल करते हुए। तो यार चलते हैं, करते हैं सोई सोई। पहले ब्लॉग एडिट करना है, फिर अपलोड भी करना है यूट्यूब पे, शेड्यूल करूँगा और फिर सोता हूँ। तो करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। गुड नाइट, जय श्री राम, हर हर महादेव।